डॉट कहानी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में मंदिर के 3 आसन बनाने के तरीके बताए जाएंगे। मैंने यहाँ पर रेड कपड़ा लिया है, आप कपड़ा किसी भी कलर का ले सकते हैं। 10 इंच की लंबाई में कपड़े को सीधा कट किया गया है, 16 इंच इसकी चौड़ाई रखी है। बस इसी रेक्टेंगल शेप में इस कपड़े को कट कर लिया है। कट करने के बाद कपड़े का मेजरमेंट आप फिर से देख सकते हैं। पर यूज करने के लिए गोल्डन कलर की चौड़ी लेस ली है, आप इसे कोई और भी कलर की रख सकते हैं। इस लेस को कपड़े पर उल्टा रखते हुए हमने स्टिच कर लेनी है और सेम दूसरी साइड भी उल्टा रखते हुए स्टिच कर लेनी है। तो लीजिए, दोनों तरफ से स्टिच करने के बाद इंटरफेस कुछ इस तरह से होता है। कपड़े को सीधा रखते हुए दोनों साइड हमें सीधी स्टिचिंग फिर से दे देनी है। रेक्टेंगल के साइड पार्ट पर भी लेस को उल्टा रखा है। कपड़े को सीधा करते हुए फिर इस पर एक स्टिचिंग दे देनी है। तो लीजिए, हमारा इस तरह से चारों तरफ से लेस बनकर ये कपड़ा रेडी हो जाता है। मंदिर आसन तैयार हो जाता है, पूजा आसन तैयार हो जाता है। मंदिर के आसन आप रेड, ग्रीन, व्हाइट, येलो कलर के भी बना सकते हैं। करने का तरीका बहुत ही आसान है। मंदिर का ये आसन पाटे के मेजरमेंट में बना हुआ है। दोस्तों, जब भी आप पाटे पे पूजा करते हैं तो आप इसे बिछाकर एज द आसन पूजा कर सकते हैं। ऑनलाइन मार्केट में ये आसन काफी महंगे मिलते हैं, लेकिन आप इन्हें बहुत ही आसानी से कम समय में घर में तैयार कर सकते हैं। इसी तरीके से पूजा चौकी के मेजरमेंट में बड़े आसन भी बना सकते हैं। बढ़ते हैं आइडिया नंबर 2 पर। बचे हुए कपड़े से 9 इंच और 7.5 इंच के मेजरमेंट में एक स्क्वायर कट कर लिया है। मंदिर के इस आसन को तैयार करने के लिए येलो और पिंक कलर भी बेस्ट रहेगा। स्क्वायर को फोल्ड करते हुए दो तरफ से स्टिचिंग कर इस कपड़े को सीधा कर लिया है। तो सीधा करने के बाद इंटरफेस कुछ इस तरह से होगा। कार्डबोर्ड से एक छोटा सा पीस कट किया है जो 6x4 मेजरमेंट के अंदर है। कार्डबोर्ड के रेक्टेंगल पीस पर चारों तरफ फेविकोल लगा दिया है। थोड़ी सी कॉटन लेनी है और कॉटन को फैलाते हुए चारों तरफ रेक्टेंगल पीस पर पेस्ट कर देनी है। सूखने के बाद सिले हुए रेक्टेंगल कपड़े के अंदर इसे डाल देनी है। थोड़ा सा समय लगेगा इसे डालने में। लास्ट में ओपन पार्ट को दो बार फोल्ड करते हुए सुई धागे से स्टिच कर लेने हैं। तो लीजिए, छोटी सी सीट बनकर रेडी हो जाती है। बचे हुए कपड़े को दो बार फोल्ड करते हुए 4 इंच के मेजरमेंट में कपड़े को कट कर लिया है। कट करने के बाद कपड़े को खोलने के बाद दोनों तरफ से मैंने इसको कट कर लिया है और 2 स्क्वायर जो कि 4x4 इंच की शेप में कट हुए हैं। स्क्वायर के एक कॉर्नर को पकड़ते हुए दूसरे कॉर्नर पर हमने स्टिच लगा लेनी है। सेम दूसरे वाले स्क्वायर पर भी इसी तरह से स्टिच करनी है। लीजिए, दोनों स्क्वायर मैंने इसी तरह से स्टिच करके तैयार किए हैं। बड़ी सुई में धागा डालकर सिले हुए पार्ट के एक तरफ से डालते हुए दूसरे पार्ट से निकाला गया है। इतना होने के बाद दोनों तरफ के धागे को अच्छे से पकड़ के नॉट लगा लेनी है ताकि कपड़ा अच्छे से सूखड़ जाए। नॉट लगाने के बाद इंटरफेस आप देख सकते हैं, मैंने दोनों इसी तरह से तैयार किए हैं। साइड से स्टिच करने के बाद इन्हें सीधा कर लेना है। साइड स्टिचिंग होने के बाद इसे पलटकर सीधा कर लेना है। साइड स्टिचिंग देने के बाद इसे पलटकर सीधा कर लेना है। इंटरफेस कुछ इस तरह से होगा। अब हमने थोड़ी सी कॉटन ली है और इसके अंदर भरना स्टार्ट किया है। तो इसी तरह से ये छोटे छोटे फ्लो शेप में तैयार हो जाते हैं। तो मैंने दोनों फ्लो इसी तरह से तैयार किए हैं। फुल होने के बाद धागे दोनों तरफ से खींच लेने हैं और वापस स्पिन नॉट लगा देनी है। लास्ट में धागे को कट कर लेना है। तो लीजिए, हमारे 2 खूबसूरत छोटे छोटे फ्लो बनकर तैयार होते हैं। दोस्तों, वीडियो देखकर आप ये जरूर सोच रहे होंगे ये कौन सा आसन तैयार होने वाला है। तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पर बने रहिएगा और लास्ट तक जरूर देखिएगा। क्यूट पिलो रेडी होने के बाद वापस हमने बचे हुए कपड़े पर आ जाना है। कपड़े से हमें फिर से 3.5 इंच × 3.5 इंच का स्क्वायर कट कर लेना है। स्क्वायर कट होने के बाद दूसरा स्क्वायर भी सेम कट होना चाहिए। तो ये 2 स्क्वायर मैंने इसी शेप के कट कर लिए हैं। होल्ड स्क्वायर को दो तरफ से स्टिच कर लिया है। तो लीजिए, इंटरफेस कुछ इस तरह से आ जाता है। वापस हमने कार्डबोर्ड का टुकड़ा लिया है और उस कार्डबोर्ड के टुकड़े में एक छोटा स्क्वायर फिर से कट किया है। मेजरमेंट की बात करें तो 3 इंच × 3 इंच लंबाई चौड़ाई रखी है। इस पर भी थोड़ा फेविकोल लगाया है और छोटा सा कॉटन लेते हुए उसे फैलाते हुए इस पर पेस्ट कर दिया है। सूखने के लिए छोड़ देंगे। इसके बाद सीजर से हमें एक्स्ट्रा कॉटन को कट कर लेनी होगी। चार तरफ से एक्स्ट्रा कॉटन कट करने के बाद ये फिनिशिंग पार्ट हमें मिलेगा। ले हुए रेक्टेंगल पीस को हम सीधा कर लेते हैं। सीधा करने के बाद इंटरफेस कुछ इस तरह से होगा। पहले की तरह इसमें भी हमें कार्डबोर्ड के टुकड़े को उठाना है और इसके अंदर हमें डाल देना है। तो ये भी हमारी छोटी सी सीट बनकर रेडी हो जाती है। लास्ट में इसके भी खुले पार्ट को सुई धागे से की स्टिचिंग के द्वारा बंद कर दिया जाएगा। तो लीजिए, ये छोटी सी सीट बनकर रेडी होती है।
छोटे पिलो को डेकोरेट करने के लिए यहाँ पर गोल्डन कलर की गोटी का यूज किया है। एक साइड रखते हुए चारों तरफ गोटे को पिलो पर गोल घुमाना है और उसके बाद इसी शेप में कट कर लेना है और इन दोनों कॉर्नर को अच्छे से पकड़ के हुए सुई धागे से स्टिच कर देनी है। धागा कट करने के बाद दूसरी साइड भी इसी तरह से गोटे को चारों तरफ से रखा है और इसी तरह से स्टिच कर दिया है। लास्ट में धागे को कट कर दिया है। तो इसी तरह से मैंने दोनों पिलो को डेकोरेट करके रेडी किया है जो आप वीडियो में देख रहे हैं। फोर इंटू फोर इंच के स्क्वायर शेप की सीट को डेकोरेट करने के लिए हमने यहाँ चौड़े गोटे का यूज किया है। 1 इंच के लगभग इस गोटे को कट किया है और फेविकोल लगाते हुए इसे पेस्ट कर दिया है। नेक्स्ट डेकोरेट करने के लिए हमने बड़े वाले स्क्वायर की शीट को लिया है। बड़े साइज की शीट को डेकोरेट करने के लिए हमने यहाँ पर लिया है गोटा, तो इसे हम गोटे से डेकोरेट करने वाले हैं। सिंपल गोटा लिया है और रेक्टेंगल के चारों तरफ हमने सर्कल आकार में लपेट दिया है। फिर दोनों ज्वाइंट को अच्छे से पकड़ते हुए हमने सुई धागे से स्टिच कर लिए है। एक्स्ट्रा धागा और लेस को भी कट कर दिया है। इधर करने के बाद इंटरफेस आप देख सकते हैं। तो लीजिए, मंदिर का दूसरा आसन बनकर रेडी होता है। आसन को यूज करने का तरीका बहुत आसान है। पहले हमने बड़ा आसन रखा है, इसके ऊपर सीट और दोनों तरफ हमने छोटे छोटे पिलो रख देना है। तो लीजिए, हमारे लड्डू गोपाल जी का आसन बनकर रेडी होता है। दोस्तों, ऑनलाइन ये आसन काफी महंगे मिलते हैं, लेकिन आसान तरीके से आप इन्हें घर में तैयार कर सकते हैं बहुत ही कम कीमत पर। तो कैसा लगा आपको मेरा आईडिया नंबर 2 कमेंट करके जरूर बताइएगा। आसन पर डेकोरेशन की हुई लेस आप अपने अकॉर्डिंग भी डिजाइनर कर। बचे कपड़े से हम तीसरा प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं, तो चलिए बढ़ते हैं आईडिया नंबर 3 पर। रेड कलर कपड़े से मैंने 2 सर्कल कट कर लिए हैं और उन्हें अच्छे से इस तरह स्टिच कर दिया है, बीच बीच में से सिलाई लगाते हुए जो आप वीडियो में देख रहे हैं। इसी रेड कलर के कपड़े से मैंने तिरछी काफी सारी स्ट्रिप कट की है और उन्हें अब जॉइंट करके एक कर ली है। स्ट्रिप को सर्कल पर गोल घुमाते हुए एक साइड रखते हुए स्टिच किया है। इसके बाद हमने दूसरी साइड से फोल्ड करते हुए हमने दूसरी सिलाई लगा देनी है। तो लीजिए, हमारा सर्कल बनकर रेडी होता है। थोड़ी सी लेस का यूज करने वाले हैं। इसका एक टुकड़ा कट किया है और इसे बीच में रखते हुए हमने जेड आकार में पेस्ट कर लिया है। इसके दूसरे टुकड़े को भी बीच में रखते हुए हमने जेड आकार में पेस्ट कर लिया है। दोनों मैंने सुई धागे से पेस्ट किए हैं। तो लीजिए, बीच में हमारा स्वास्तिक बन जाता है। मंदिर का ये पायदान यूज करने का बहुत सिंपल तरीका, आप इस पायदान के ऊपर मंदिर की मूर्ति को रख सकते हैं। मंदिर के बनाकर बताए गए 3 आसन में से कौन सा आसन आपको ज्यादा अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।